देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले की, जिस चमोली जिले से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी विधायक पद हेतु दावेदारी कर रहे हैं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की बात करें तो वह भी क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं और लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पहली बार देखा जा रहा है कि लगभग सभी ग्रामीण इलाकों के स्थानीय ग्रामीण कांग्रेस पार्टी का खूब प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। गौरतलब है कि पहली बार बड़ा गांव में कई ग्रामीण इलाकों से पहुंचे दूर दराज के स्थानीय ग्रामीण कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर लेकर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और बड़ा गांव के ग्रामीणों से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील करने लगी। पहली बार देखा गया कि बड़ा गांव में इस तरह से कई ग्रामीण इलाकों से पहुंचे स्थानीय ग्रामीण कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता नवीन सिंह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे कुछ सवाल जवाब किए, तो उन्होंने सवाल जवाब में पाया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट पर तरह तरह के सवाल निशान पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और कहा कि भाजपा के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट हार रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट शायद ही अपनी जमानत इस बार करा पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट शायद ही अपनी जमानत इस बार बचा पाए। यहाँ तक कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया और उन्हें बेवकूफ बनाया है। इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर महिला कार्यकर्ता तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट पर। एक तरफ दावे तो जरूर कर रही है कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के लिए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की मेहनत कितनी रंग लाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ा गांव और मेरा गांव में सुंदर पहाड़ी नृत्य का आयोजन किया। हालांकि इस वक्त सारे दल के लोग ग्रामीणों को लुभाने में गढ़वाली नृत्य का आयोजन भी कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मेरा गांव और इधर बड़ा गांव में प्रचार किया। इस बार हमारा पूरा जोशीमठ क्षेत्र भंडारी जी के प्रचार में लगे हुए हैं। इस बार सबकी सोच है भंडारी जी हमारे जो विधायक बन के आएंगे, हमारा जोशीमठ का विकास होगा। और भट्ट जी ने जो लोगों को महिलाओं को चक दिया लाता में, बहुत बुरा लगा हमको भी। महिलाओं का लोग सम्मान करते हैं, भट्ट जी ने हमारा अपमान किया। ऐसे विधायकों ने भी खराब है और
महिलाओं का सम्मान, लोग सारे लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, और हमारे विधायक जी ने लाता वालों का महिलाओं का बेइज्जती किया, और इसमें बहुत बुरा लगा लोग सबको। इसलिए इस बार लोगों ने सबने ठान लिया जो सिमट महिलाओं की राजमंदारी जीतेगी। जिस विधायक ने हमारे महिलाओं को सम्मान दिया उसको हम विकास के चिंगारी राजेंद्र भंडारी कहलाएंगे। हमारे भट्टी जो इससे पहले विधायक थे महिलाओं का अपमान किया, हम उसको घोर विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास की चिंगारी राजेंद्र भंडारी, विकास की चिंगारी राजेंद्र भंडारी। सर्वप्रथम ये कहना है, मैं कम से कम 30 गांवों में घूम चुका हूँ, और सारे गांवों में जैसी लहर है, हम खुद नहीं जा रहे, कार्यकर्ता गांव से हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे भाई साहब राजेंद्र भंडारी के प्रचारक है, राजेंद्र भंडारी के प्रचारक है। ऐसी एक लहर, ऐसी एक उमड़, मजा आ गया हमें देख करके, मजा आ गया। तो इससे ऐसा लगता है कि राजेंद्र भंडारी जीतेंगे नहीं, कहीं जमानत जब्त न कर दे। मुझे तो इस चीज़ की चिंता है, बीजेपी के विधायक के लिए कहीं इनकी जमानत जब्त न हो जाए। इतनी लहर और इतनी उमड़ पहले कभी देखी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र भंडारी जी ने जो ओबीसी में जो काम किया है ना, उनका काम बोलता है। आज जो है हर गांव-गांव से ओबीसी का फायदा हो करके लोग पता नहीं कहां का कितने कितने अफसर बन गए हैं। मेरे अपने गांव में कई जंगलात से आ गए हैं, कई नर्सिंग से आ गए हैं, कई डॉक्टर बन गए हैं, बहुत खुशी है। ऐसे हर गांव में एक लहर है, और वो लहर सच्चे दिल से है। लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सच्चे दिल से जुड़े हैं, और कितने सारे बीजेपी के झंडे लगाए हुए हैं। मैंने उनको कहा क्यों है, उन्होंने कहा ऐसा है, वोट हम तुमको मोबाइल पे दिखाएंगे, यहाँ तक गारंटी है हमारी। तो ऐसी लहर और ऐसी उमड़ देख के ऐसा लगता है कि राजेंद्र भंडारी की विजय बहुत बड़े मार्जिन से है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजेंद्र भंडारी एक सिर्फ जो है विकास वो नहीं है, एक आम विधायक नहीं है, विकास पुरुष हैं, और हमारे पूरे क्षेत्र के उन्होंने उनकी उनका कदम तो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका सफर है। तो उनको जिताना जरूर चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि कहाँ हमने किसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र भंडारी के लिए नहीं काम, हम मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इत्तेफाक रखो राजेश भाई की बात से, कि उन्होंने कहा कि मेरे को चिंता हो रही है कि जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे लग रहा 5 साल पहले हो गई। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ कि जिसकी जमानत की बात आज करे, 5 साल पहले जब्त हो गई थी। वो आदमी आया लापता हो गया, उसकी जमानत कहाँ बचेगी भाई साहब, उसका उसकी गारंटी नहीं है। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।